चित्रा घबराते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये अनुराग जी को आखिर हो क्या गया है? ये किसी की भी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिर उस भूली भटियारी महल में वो किससे मिलने जा रहे हैं? कौन उनका वहां पर इंतजार कर रहा है जो ये इतनी जल्दी में है? अनुराग तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। चित्रा भी तुरंत भागना शुरू कर देती है ताकि जल्द से जल्द अनुराग के पास पहुंच पाए। बैग और सीट होल्डर कंधे पर टंगे होने के बावजूद भी वो इतनी फुर्ती के साथ भागती है कि कुछ ही देर में वो अनुराग के पास पहुंच जाती है। अनुराग के पास पहुंचकर वो वापस से उसके सामने आकर खड़े होकर उसका रास्ता रोक लेती है, जिस कारण अनुराग अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाता है। चित्रा अनुराग के सामने खड़े होते हुए कहती है, रुकिए अनुराग जी, रुक जाइए। अनुराग कुछ चिढ़ते हुए कहता है, अब क्या है चित्रा जी, मैंने कहा ना मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द भूली भटियारी के महल पहुंचना है और आप है कि बार बार मेरे सामने खड़े होकर मुझे वहां पर जाने से रोक रही हैं। चित्रा पहले तो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है। जब उसकी सांसें नॉर्मल चलने लग जाती है तो वो अनुराग से कहती है, अनुराग जी मैं कहां आपको वहां जाने से रोक रही हूं? मैं तो ये कह रही थी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। अनुराग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ चित्रा से कहता है, क्या कहा आपने चित्रा जी, आप चलेंगी? चित्रा अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, हाँ अनुराग जी मैं भी आपके साथ चलूंगी वहाँ पर। अनुराग चित्रा को मना करते हुए कहता है, नहीं चित्रा जी आप वहाँ पर मेरे साथ नहीं चल सकती हैं। चित्रा हैरानी के साथ अनुराग से पूछती है, मैं आपके साथ वहाँ पर नहीं चल सकती, पर क्यों अनुराग जी? अनुराग चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं है चित्रा जी, वहाँ पर जान का खतरा है। चित्रा अनुराग को उसी की बात में घेरते हुए कहती है, अगर वहाँ पर जान का खतरा है तो फिर आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं अनुराग जी? अनुराग तुरंत जवाब देता है, क्योंकि मेरा वहाँ पर जाना जरूरी है चित्रा जी। चित्रा अनुराग की आंखों में देखते हुए बोल पड़ती है, अगर आपका वहाँ पर जाना जरूरी है तो मेरा भी आपके साथ वहाँ पर जाना जरूरी है, मैं आपको वहाँ पर अकेले नहीं जाने दे सकती। अनुराग चित्रा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए चित्रा जी, मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। चित्रा अनुराग को एकटक देखते हुए कहती है, तो आपको क्या लगता है अनुराग जी, मैं आपको आपकी जान खतरे में डालने दूंगी? मैं कह देती हूँ, मैं आपको वहाँ पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, अगर जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। चित्रा को देखकर अनुराग समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चित्रा तो उसे अकेले भूली भटियारी के महल में जाने नहीं देगी, और उसे जल्द से जल्द भूली भटियारी के महल पहुँचना था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी चित्रा की बात से एग्री होते हुए कहता है, ठीक है चित्रा जी, अगर आपको चलना है तो चलिए, बस शर्त ये है कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगी जब तक हम भूली भटियारी के महल नहीं पहुंच जाते हैं। चित्रा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ अनुराग जी मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, आप बेफिक्र रहिए। अगले पल अनुराग और चित्रा दोनों साथ साथ भूली भटियारी के महल जाने के लिए निकल जाते हैं। अनुराग के मना करने के बावजूद भी चित्रा अनुराग की बात नहीं मानती है और रास्ते भर उससे पूछती रहती है कि वो आखिर इतनी रात में भूली भटियारी के महल क्यों जा रहा था, वहां पर जाने का उसका मकसद क्या था। पर अनुराग चित्रा के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, खामोशी के साथ ही फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों दिल्ली के करोल बाग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों के सामने ही भगवान हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति थी जो अपना सीना चीर कर खड़े हुए थे, जिसके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता स्थापित थे। भगवान हनुमान जी की मूर्ति के ठीक बगल में बग्गा लिंग नाम की एक दुकान थी, जिसके पीछे एक खामोश सड़क थी जो घने पेड़ों से घिरी हुई थी और जंगल की तरफ ले जा रही थी। अनुराग उस रास्ते की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, हमें उस तरफ जाना है चित्रा जी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो गई? चित्रा अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मुझे पता है अनुराग जी हमें उस तरफ जाना है, पर जाने से पहले बजरंगबली का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा ना, अगर अंदर कुछ हो गया तो वहाँ। चित्रा जानबूझकर अनुराग के सामने डरने का नाटक कर रही थी ताकि उसका डर देखकर अनुराग भी डर जाए और आगे न जाए, यही से वापस लौट चले उसके साथ। चित्रा फिर डरने का नाटक करते हुए कहती है, अगर वहाँ उस महल में हमें कोई भूत मिल गया तो हम क्या करेंगे? अनुराग चित्रा से पलट कर कहता है, वहाँ पर कोई भूत थोड़ी है चित्रा जी, वहाँ पर तो। इतना कहकर अनुराग खुद ही चुप हो जाता है और वो चित्रा को फिर एक बार समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, चित्रा जी आपने मेरी बात मानी और यहीं पर रुक जाइए, आपको मेरे साथ अंदर चलने की कोई जरूरत नहीं है। चित्रा अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, नहीं अनुराग जी मैं आपके साथ ही चलूंगी, आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अनुराग जानता था चित्रा उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वो पलट कर कुछ जवाब ही नहीं देता है। चित्रा भी चुप ही खड़ी रहती है। अनुराग की हरकतें देखकर उसका शक बढ़ते जा रहा था। उसे आज अनुराग का एक अलग ही रूप देखने के लिए मिल रहा था जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था।
अनुराग और चित्रा दोनों भगवान हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। चित्रा कंधे पर टंगे हुए सीट होल्डर को जानबूझकर वहीं पर रख देती है ताकि जब मिस्टर स्टीफन वहां पर आए तो उस बैग को देखकर समझ जाए कि वो और अनुराग महल की तरफ जा चुके हैं। चित्रा इतनी चालाकी के साथ उस सीट होल्डर को वहां पर रखती है कि अनुराग को इस बात का पता नहीं चलता है। चित्रा और अनुराग उस सुनसान पेड़ों से घिरी हुई सड़क पर चल पड़ते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर चलने के बाद ही वो दोनों भूली भटियारी महल के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। भूली भटियारी का महल लाल पत्थरों से बना हुआ था। चित्रा एक बार उस पर नजर मारती है तो देखती है कि वो पूरा महल अंधेरे से घिरा हुआ था। आसपास एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। इतने सारे पेड़ पौधे होने के बावजूद भी हवाएं नहीं चल रही थी, जैसे सब कुछ थमा हुआ सा हो। चित्रा डरने का नाटक करते हुए फिर अनुराग से बोल पड़ती है, अनुराग जी मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है, मैं क्या कहती हूँ, हमें वापस चलना चाहिए यहाँ से। अनुराग कहता है, चित्रा जी अगर आपको वापस जाना है तो आप वापस जा सकती हैं, पर मैं तो वापस यहाँ से कतई नहीं जाने वाला, मैं अंदर जा कर रहूंगा। इतना कहकर अनुराग चित्रा की बिल्कुल नहीं सुनता है, अगले ही पल दरवाजे से महल के अंदर चले जाता है। चित्रा भी अनुराग के पीछे पीछे ही जाने लग जाती है। जब वो दोनों दरवाजे से अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि अंदर भी पूरा महल लाल पत्थरों से बना हुआ था। दरवाजे के सामने ही एक अहाता बना हुआ था, उसके आगे एक बड़ा सा आंगन था। आंगन के चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। महल के उत्तर की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी जो सीधे चबूतरे की ओर ले जा रही थी। अनुराग उस चबूतरे के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। अनुराग जब से महल के अंदर घुसा था बार बार अपने आसपास देखे जा रहा था, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। चबूतरे पर खड़े होकर भी वो अपने आसपास ही देखे जा रहा था। उसकी निगाहों को देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो किसी को ढूंढ रहा था, पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रात के वक्त महल की जर्जर दीवारें और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे उन दीवारों में जान आ गई हो, वो आपको देखकर हंस रही हो। चित्रा जानती थी कि अगर वो अनुराग से कुछ पूछेगी तो वो उसके सवालों का कुछ जवाब नहीं देगा, उसके सारे सवालों को टाल देगा। इसलिए वो अनुराग के साथ वहाँ पर चुपचाप ही खड़ी रहती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जान गई थी कि अनुराग वहाँ पर किसी को तो जरूर ढूंढ रहा था, और कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे खुद पता चल जाएगा कि अनुराग वहाँ पर किसका इंतजार कर रहा था। इसी वजह से वो वहाँ पर खामोशी के साथ खड़ी रहती है। आधा घंटा बीत गया था, अनुराग अपनी जगह से टस का मस नहीं हुआ था, वहीं पर खड़ा हुआ था और अभी भी अपने आसपास देखते हुए किसी का इंतजार कर रहा था, पर अभी तक कोई नहीं आया था। अनुराग तो अभी तक उतने ही जोश के साथ वहां पर खड़ा हुआ था, पर चित्रा का सब्र का बांध टूटा जा रहा था। उसने बहुत इंतजार कर लिया था, अब उससे इंतजार करके बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। चित्रा अनुराग पर कुछ चिढ़ते हुए कहती है, बस बहुत हुआ अनुराग जी, अब आप मुझे बताएंगे आप यहाँ पर क्यों आए हैं। अनुराग जान गया था कि अब उसे चित्रा के सवाल का जवाब देना ही होगा, और यदि उसने चित्रा के सवालों का जवाब नहीं दिया तो उससे उन दोनों के बीच के रिश्ते में दरार पड़ सकती थी। चित्रा फिर अनुराग पर दबाव बनाते हुए उससे बोल पड़ती है, बताइए ना अनुराग जी आप यहाँ पर क्यों आए हैं। पहले तो आपको यहाँ पर आने की जल्दी हो रही थी इसलिए रास्ते में आपने मुझे कुछ बताया नहीं, पर अब तो हम यहाँ पर पहुँच गए ना, तो फिर अब आप मुझे क्यों नहीं बता देते कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। अनुराग चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, एक्सपीरियंस के लिए चित्रा जी। चित्रा हैरानी के साथ अनुराग से कहती है, क्या कहा आपने अनुराग जी, एक्सपीरियंस। अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ चित्रा जी एक्सपीरियंस। चित्रा अनुराग से पूछती है, एक्सपीरियंस पर किस चीज का अनुराग जी। अनुराग जवाब देते हुए कहता है, भूतों का सामना करने का, डरावनी जगह में रहने का एक्सपीरियंस। चित्रा जी आपको तो पता ही है मैं काफी वक्त से हॉरर उपन्यास लिख रहा हूँ, और कॉलेज खत्म होने से पहले मुझे वो उपन्यास लिखकर खत्म करना है। सिर्फ लिखकर खत्म ही नहीं करना है बल्कि उसे पब्लिश भी कराना है, पर जब भी मैं उस हॉरर उपन्यास को लिखने जाता हूँ तो। इतना कहकर अनुराग किसी दूसरी सोच में खो जाता है और वो खुद ही चुप हो जाता है। चित्रा तुरंत अनुराग से पूछ पड़ती है, लिखने जाता हूँ तो क्या अनुराग जी। अनुराग एक मायूसी के साथ कहता है, मैं लिखने तो जाता हूँ चित्रा जी, पर कुछ लिख ही नहीं पाता हूँ। घंटों तक पेन कॉपी लेकर बैठे रहता हूँ पर मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। अगर कभी कुछ लिख भी देता हूँ तो मुझे वो पसंद नहीं आता है, मैं उसे फाड़ कर फेंक देता हूँ, जला देता हूँ। मैं बहुत खराब लिख रहा हूँ चित्रा जी, बहुत खराब। चित्रा अनुराग को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं अनुराग जी आप खराब कैसे लिख सकते हैं, आप तो बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं चित्रा जी मैं बहुत बुरा लिख रहा हूँ, मुझे पता है। आप ही बताइए, जब मेरा लिखा खुद मुझे पसंद नहीं आ रहा तो वो मेरे पाठकों को क्या पसंद आएगा। एक ही प्लॉट को कितनी बार लिखा है,
कितनी बार उसके किरदारों के बारे में गहराई से सोचा है, पर पता नहीं क्या चीज है जिस कारण मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चित्रा अनुराग को एकटक देखते हुए उससे पूछती है, मैं अभी भी आपके यहाँ पर आने का मकसद समझी नहीं अनुराग जी। अनुराग चित्रा को जवाब देते हुए कहता है, चित्रा जी आपको तो पता ही है, एक लेखक किसी चीज को अपने शब्दों की माला में पिरोकर तभी अच्छे से लिख सकता है जब उसने खुद उस चीज को महसूस किया हो, उसे करीब से जाना हो। मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ ताकि अदृश्य शक्ति की मौजूदगी को महसूस कर सकूँ, उन्हें देख सकूँ, ताकि कहानी लिख सकूँ। चित्रा हैरानी के साथ अनुराग से कहती है, अनुराग जी आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना, लिखने के लिए ये सब करना जरूरी है क्या? आपको पता है ना ये सब करने में आपकी जान भी जा सकती है, यहाँ इस महल में कितने सारे लोगों की जान जा चुकी है, और तो और उन लोगों की मौत कैसे हुई आज तक कुछ पता नहीं चला है। अनुराग कहता है, मुझे सब पता है चित्रा जी, पर मेरे लिए मेरी कहानियाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि मेरी जान, उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर कहानी लिखते लिखते मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं। चित्रा परेशान होते हुए कहती है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं अनुराग जी, शुभ शुभ बोलिए, ऐसी बातें नहीं करते हैं। एक तो मुझे वैसे ही डर लग रहा है, ऊपर से आप ऐसी बातें करके मुझे और डरा रहे हैं। चित्रा अपने आसपास फैले घने अंधेरे और मरमर दीवारों को देखते हुए कहती है, आपको भी एक्सपीरियंस करने के लिए इस भूली भटियारी के महल में ही आना था क्या अनुराग जी, आप कहीं और नहीं जा सकते थे क्या? अनुराग जवाब देता है, नहीं चित्रा जी, क्योंकि यही एक वो जगह है जहाँ पर अदृश्य शक्तियों को कई लोगों ने महसूस किया है। मैंने पता लगाया ये दिल्ली की सबसे खौफनाक जगहों में से एक है, रात होते ही ये जगह भी अपना रूप बदलने लग जाती है और ज्यादा डरावनी हो जाती है। चित्रा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह के बारे में पहले से बहुत कुछ जानती हो, पर बस अनुराग को कुछ नहीं बताना चाहती थी इसलिए खामोश खड़ी थी। अनुराग फिर बोल पड़ता है, आपको पता है चित्रा जी मैंने कुछ पता लगाया है, कहते हैं यहाँ पर वो घूमती है। चित्रा कुछ डरते हुए अनुराग से पूछती है, वो घूमती है, कौन घूमती है अनुराग जी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है।